दिस सेक्शन आई मोट टू टेल यू हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न और द मीन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सो यू विल हैव टू फॉलो सर्टन स्टेप्स सो फर्स्टली यू नीड टू गेट द डेटा डेटा में आपको क्या चाहिए दो तरह की इंफॉर्मेशन क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है और उनकी रिस्पेक्टिव प्रॉब्बिलिटीज़ क्या हैं चांसिस ऑफ क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप समझ रहे हैं कि आपका स्टॉक दिसंबर में थर्टी परसेंट रिटर्न देगा तो उसकी चांस क्या है थर्टी परसेंट होने के मिलने के क्या प्रोबेबिलिटी है टेन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट है कुछ भी है और ये पता कैसे चलेगा अगैन जो ओवरऑल इकोनॉमिक हालात हैं जो उस पर्टिकुलर कंपनी के हालात हैं उसकी बेसिस पे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करके डिफाइन करते हैं सो so, दे ये चांस है इस पर्टिकुलर रिटर्न होने का मिलने का तो so, आपने क्या करना है यू नीड टू टाइप्स ऑफ डेटा द प्रोबेबिलिटी एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सर्टन स्टॉक इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम सो मुख्तलिफ टाइम्स में उनकी क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी और उसकी क्या कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटीज़ होंगी ये दो इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है उसके बाद आपने रिटर्न की वैल्यू को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर देना जो तो कॉलम को पकड़ेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसको आपने एडअप कर देना है जो आपकी सम की वैल्यू होगी वो आपका मीन होगा सो मीन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न विल बी ऑबेन बाय सिंपली एडिंग ऑल द प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न और ये कैसे होगा आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू टू द एक्सेल शीट जहाँ मैंने ये डेटा को एंटर किया हुआ है टू शो यू हाउ इट विल वर्क एंड हेयर वी गो आप देख सकते हैं कि वी हैव द इकोनमी एंड इट्स थ्री फॉर्म्स रिटर्न इन दिस कॉलम फिर मैंने रेट ऑफ रिटर्न लिया है और मेरे पास है यहाँ पे दो कंपनीज हमने लिए हैं फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का नाम है रिस्को दूसरी कंपनी का नाम है जेनको और इकोनॉमी के तीन पॉसिबल वीक स्ट्रांग और नॉर्मल सिचुएशंस में रिस्को की जो रिटर्न है वो लिखी गई है यहाँ पे जेनको के क्या रिटर्न आएंगे एक्सपेक्टेड वो लिखे गए हैं और इन तमाम रिटर्न्स के हासिल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपको लास्ट कॉलम में वो नज़र आ रही है तो दिस इज़ नॉट पॉइंट टू नॉट पॉइंट सिक्स नॉट पॉइंट टू फॉर ऑल द थ्री टाइम्स ठीक है अब आपने क्या करना है सबसे पहले आपने मीन निकालना है मीन so कैसे निकलेगा यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगी उसके लिए मैंने क्या किया ये रेट ऑफ रिटर्न सिंपली यहाँ से उठा के एक कंपनी के जेनको के उठा के मैंने यहाँ लिखे हैं और उसके सामने मैंने ये प्रोबेबिलिटी लिख दी है ठीक है सो आई एम मैंने अभी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाया आई हैव जस्ट कॉपी दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस कॉलम एंड दिस कॉलम टू दिस पर्टिकुलर कॉलम ठीक है उसके बाद फिर मैंने एक फॉर्मूला लगाया एज यू कैन सी हेयर मैंने रिटर्न को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा इस कॉलम में तो क्या किया बेसिकली यहाँ फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है कि मैंने C5 को मल्टीप्लाई किया है D5 से का मतलब है कि मैंने माइनस टेन परसेंट को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट दिस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू सिमिलरली मैंने बाकी तमाम दो और मजीद वैल्यूज के साथ यही किया और फिर मैंने एंड पे इसको सम कर दिया तो आपने एक्सेल अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आती तो आपने सिंपली क्या लिखना है आपने इक्वल का साइन लगाना है आपने सम करना है और ये तीनों वैल्यूज की रेंज बता देनी है उसको तो वो आपको वैल्यू निकाल के दे देगा इनको जमा कर देगा तो जमा जब हमने किया हमारे पास जीरो पॉइंट वन आया तो जीरो पॉइंट वन इज द मीन ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो तीनों रेट ऑफ रिटर्न है उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है यानी कि उनका मीन क्या है यानी कि उनकी एवरेज क्या है वो आपके पास निकली जीरो पॉइंट वन अब इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे इसको सौ से ज़रब दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन परसेंट तो इसका मतलब है कि आपका जो मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज टेन परसेंट ये मैंने आपको यहाँ इधर वाजे करके लिख भी दिया फाइन तो जब हम मीन निकाल लेते हैं तो मीन इज नॉट द ओनली थिंग जो कि हमें पता होना चाहिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन क्या हो सकती है किस हद तक हो सकती है और उस चीज को अंदाज़ा लगाने के लिए हमें मीन के अलावा डेविएशन भी चाहिए होता है तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब होता है और उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए